मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। न जाने किस किस योनि में भटक कर हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं, और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात भी हम इसे यूं ही व्यर्थ ही गवा देते हैं। मनुष्य जीवन पाकर हम समय का सदुपयोग नहीं करते, अपना समय व्यर्थ की झंझट, व्यर्थ के कष्ट, व्यर्थ की परेशानियों में यूं ही गवा देते हैं। इस पृथ्वी पर किसी से भी, किसी वस्तु, व्यक्ति, जो कुछ भी इस संसार में, इस पृथ्वी पर है, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग किया जाए। अब दत्तात्रेय जी को देखिए, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 24 गुरु बनाए, 24 गुरु, और गुरु भी ऐसे जिन्हें हम तुच्छ प्राणी, तुच्छ वस्तु समझते हैं, उन सबको दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया। महाराज, इस संसार में जिससे भी, छोटा बड़ा, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, जिससे भी कुछ भी सीखने को मिले, उसे अपना गुरु बना लीजिए, उस चीज को ग्रहण कर लीजिए, उस शिक्षा को ग्रहण कर लीजिए। मधुमक्खी, जिसे हम कुछ नहीं समझते, यूं ही कुचल देते हैं, उसे दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया। क्यों एक मधुमक्खी को दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया? एक मधुमक्खी आजीवन क्या करती है? फूलों पर जाकर बैठती है, उन फूलों का रस एकत्रित करती है और रहने के लिए एक छत्ता बनाती है। रस एकत्रित करने के पश्चात उस छत्ते की रक्षा करती है। कोई रस चुराने आता है तो उसे काटने लगती है, परंतु अंत स्थिति में भी होता क्या है? कोई भी व्यक्ति आता है कंबल ओढ़कर और उस छत्ते में से रस चुराकर ले जाता है, तो देखा जाए तो उस मधुमक्खी ने आजीवन क्या किया? मात्र रस एकत्रित किया और अंत समय में कोई और आकर उसको ले गया। उसे क्या प्राप्त हुआ उस रस को एकत्रित करने से? इसी प्रकार एक संत को, एक साधु को, एक ईश्वर को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वस्तुओं को एकत्रित करने में, अपनी सुख सुविधाओं में अपना समय व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। उस समय को ईश्वर की प्राप्ति हेतु जो किया जा सकता है, ईश्वर का कीर्तन, ईश्वर का नाम, ईश्वर के वचनों पर अमल करना, यह करना चाहिए एक व्यक्ति को। तो जीवन में जो भी मिले, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति ही हो, कुछ भी, उसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कीजिए कि क्या गुण है इसमें, इसके किस गुण को हम ग्रहण कर सकते हैं। यही हमारे दत्तात्रेय जी ने किया था। पृथ्वी को, कबूतर को, और तो और वैश्या तक को गुरु बनाया, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने इन सभी से कुछ ना कुछ सीखा। परंतु हम तो आजीवन क्या करते हैं? व्यर्थ की चिंताओं में, व्यर्थ की परेशानियों में, कष्टों में यूं ही भटकते रहते हैं। आप किसी को भी गुरु बनाइए। गुरु के बगैर गति नहीं होती, क्योंकि एक गुरु आपको सदमार्ग पर चलना सिखाता है, आपको बताता है कि क्या भला है, क्या बुरा है।
परंतु महाराज गुरु भी बहुत सोच समझकर बनाया जाता है। भेड़ चाल की तरह नहीं जो आजकल हो रहा है। गुरु की परीक्षा नहीं ली जाती परंतु गुण देखे जाते हैं। और एक बार गुण देखकर जिसे भी अपना गुरु बना लिया, फिर जो वह कहेगा आपको वही करना होगा। चाहे आपको उस समय प्रतीत होता हो कि वह आपके लिए उचित नहीं है, परंतु बाद में जाकर आपको यह प्रतीत होगा कि आपके गुरु ने जो कहा था, जो उस समय आपको बुरा लग रहा था, वही उचित था। उसकी भलाई बाद में पता चलेगी। इसलिए किसी ना किसी को गुरु अवश्य बनाइए, गुणों को देखकर, भेड़ चाल पर नहीं कि फलाने व्यक्ति ने उसे गुरु बनाया तो मैं भी उसी को गुरु बनाऊं, चाहे मेरा मन मिले या ना मिले। और समय का सदुपयोग करना सीख जाइए। समय को प्रभु चिंतन में लगाइए, चिंता में नहीं लगाइए। क्योंकि चिंता तो चिता के समान है। चिंता करने से चिता अर्थात मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे, चिंतन करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, ध्यान करने से, जप करने से, कीर्तन करने से, तप करने से ईश्वर प्राप्त होगी।